हाय गाइस, क्या हाल चाल है? आपका दोस्त सचिन नई वीडियो लेकर आया आपके लिए। आज हम अपना सेकंड हेड वॉश कर रहे हैं। आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का 8th डे है और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही फोम अपने सिर पे लगा रखी है। मैं आपको बताता हूँ, ये जॉनसन बेबी शैम्पू है। जॉनसन बेबी शैम्पू को हमने हल्का सा इस बाउल में, आप देखिए, इस बाउल में हल्का सा थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर मिक्स करके ऊपर फोम बनाई है। और इसी फोम को आपने अपने सिर के ऊपर लगा देना है। मुझे लगाए अभी 10 मिनट हुए हैं इसको। इस तरीके से मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ दोबारा लगा के। जैसे ये फोम हाथ में लेनी है और इसको पीछे से आगे की तरफ हल्के हल्के इस तरीके से हल्के हल्के दबाव के साथ पूरे जहाँ पे ग्राफ्टेड एरिया पूरे पे बिछा देनी है। मैंने अपना फुल हेड ट्रांसप्लांट कराया है तो मैंने अपने पूरे ऊपर की तरफ बिछा रखी है। जैसे ही ये इतना इसको हमारे स्कब्स को नॉर्मल करेगी, इसको हल्का सा नरम करेगी, तो जो आपका ये डोनर एरिया है इसको आपने हल्के हल्के हाथ से इसको इतना साफ करते रहना है। इसी पानी से साइड वाले एरिया को इसको साफ करते रहना है और जो इसके अंदर पपड़ी होगी वो भी उतरती जाएगी। इस एरिया को आप अच्छी तरह डेली कर सकते हैं। मैंने ये 3rd डे से ही शुरू कर दिया था अपना डोनर एरिया को साफ करना और आज मेरा 8th डे पे ये 99% क्लीन हो चुका है कि कोई मोटी पपड़ी अब इसमें नहीं बची, ना कि कोई खून के दाग हैं। तो मैंने तो 3rd डे से शुरू कर दिया था, बट मैंने ये अपना ग्राफ्टेड एरिया को मैंने 6th डे फर्स्ट किया था और आज 8th डे में अब इसको सेकेंड वॉश कर रहा हूँ। और जो कि अभी 30 मिनट तक ये फोम लगी रहेगी। और डोनर एरिया तो इतना कोई खास हमें ग्राफ्ट निकलने का डर नहीं होता, तो मैंने इसको पहले से ही क्लीन मैं डेली डेली करता था और आज मेरा ये 99% क्लीन हो चुका है। दोस्तों, हम जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं कि पहले 10 से 15 दिनों के बीच में मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जिसको आप डेली यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी, एक तो पेन में रिलीफ मिलेगा, प्लस आपके रिजल्ट आने की चांसेस कम से कम 50% बढ़ जाते हैं। मैं आपको अभी हेड वॉश करने के बाद एक और नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि आप पहले 15 दिन में यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मुझे इसको लगाए 15 मिनट्स हुए हैं, 15 मिनट्स हो चुके हैं। अभी मैं इसको 15 मिनट के बाद फिर से ऊपर से क्लीन करूँगा। उसको क्लीन करने का अब सिर्फ हम इसको पूरे का पूरा, जैसे हम आर ओ वाटर, मिनरल वाटर कोई भी लेंगे उससे ही पूरा करेंगे। पहले 10 से 15 दिनों में आपने कोई भी पानी अपने सिर पे नहीं डालना है, सिर्फ आर ओ या मिनरल वाटर का ही यूज़ करना है, जिससे कि आपके सिर पे कोई भी हार्मफुल पानी ऐसे ना लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें 15 दिन केयर करनी पड़ती है, तो अच्छे से अच्छी सिंचाई करनी चाहिए बालों की। तो मैं भी इसको 15 मिनट में क्लीन करूँगा और मैं आपको बता देता हूँ कि क्लीनिंग में सिर्फ जस्ट नॉर्मल पानी से मैं इसको पीछे से ऐसे डिब्बा डालूंगा पानी को और इसको एक हाथ से ऐसे हल्का हल्का सा रब करूंगा और ऐसे जो निकल जाएगा अपने आप निकल जाएगा, जो रुक जाएगा वो रुक जाएगा। इसको ये नहीं कि मैं उसको ऐसे पूरा ऐसे रगड़ूंगा, ऐसे कुछ नहीं करूंगा। जितना अपनी मर्जी से वो निकलेगा, आसानी से वो निकल जाएगा, नहीं तो अगले वॉश में फिर उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी ऐसे करना है कि इसको नरम होने देना और पानी डालना है, पानी के साथ जो निकल जाता है उसको निकल जाने दो। और ये नहीं कि आप अपने हाथ से उसको छीलने बैठ गए, उखलने बैठ गए, ऐसा मत करो। आप जस्ट पानी की हेल्प से ही इसको निकालने की कोशिश करो, जितना आज निकलता है ठीक है, नहीं तो इसको 5 से 7 वॉशेज लगते हैं टोटली पूरा का पूरा निकलने में। और वही सही प्रोसीजर है कि हम इसको उसी हिसाब से निकालें, ना कि छील के ऐसे करने, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके यूज़ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।